ये DIY वैसे तो मैंने अपने लिए प्रिपेयर की थी, बट सोचा आपके साथ भी शेयर कर देते हैं बिकॉज ये टाइफाइड के बाद की मेरी पहली स्किन केयर की वीडियो है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब मैं जो भी स्किन केयर हेयर केयर फॉलो करूंगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी बिकॉज मुझे भी स्किन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हेयर को तो मैंने अच्छे से मैनेज कर लिया है बट स्किन को भी सेम कंडीशन में लाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ये जो पिंपल का मार्क्स है या हमारा जो चेहरा है पूरी तरीके से डल हो चुका था, तो इसलिए मुझे एक अच्छे स्किन केयर की ज़रूरत है। और ये जो DIY मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये 2 स्टेप में है, दोनों स्टेप बिल्कुल मैजिक की तरह काम करने वाले बिकॉज जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करें वो हमारी स्किन को लाइटन ब्राइटन, स्किन को हेल्दी बनाने में, डार्क स्पॉट या एक्ने मार्क्स को रिमूव करने में, या जो भी हमारे चेहरे पे झाइयाँ लाइक पिगमेंटेशन है या फाइन लाइन रिंकल्स इन सब को रिड्यूस करने के लिए बहुत 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 बेनिफिशियल है। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा स्किन केयर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि ढेर सारे प्रोडक्ट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 स्टेप को फॉलो करके हम अपनी इन प्रॉब्लम को रिड्यूस कर सकते हैं और हम इन्हें कभी भी फॉलो कर सकते हैं, चाहे मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब आपके पास टाइम है आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हो। और आप चाहो तो इन DIY के साथ अपने फेवरेट प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हो। अभी आप सीरम या क्रीम यूज़ करते हो मेडिकेटेड या जो भी आपको डॉक्टर ने रिकमेंड किया आप उन्हें भी कंटिन्यू कर सकते हो बिकॉज मेरे पास कमेंट आते हैं कि दी हम ये DIY फॉलो कर रहे हैं तो हम मेडिकेटेड प्रोडक्ट यूज़ करें या ना करें, मेडिसिन अप्लाई करें ना करें, कोई डाउट नहीं है, आप इन DIY के साथ अपने चेहरे पे कुछ भी अप्लाई कर सकते हो बट हाँ इन्हें रिमूव करने के बाद। तो चलिए हम DIY को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं आपके लिए स्किन केयर, हेयर, मेकअप, हेयर स्टाइल की वीडियो लाती रहती हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि प्रोडक्ट अच्छे नहीं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रोडक्ट हैं उनके प्राइस बहुत हाई हैं और हर कोई उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो वहाँ पे आप नेचुरल DIY को फॉलो कर सकते हो बिकॉज जो इंग्रेडिएंट हम नेचुरल DIY में फॉलो करते हैं ना वही इंग्रेडिएंट वो अपने प्रोडक्ट में यूज़ बेनिफिट आपको सेम ही मिलता है। उन प्रोडक्ट्स में प्रिजर्वेशन भी मिलाया जाता है, इसकी वजह से हम उन्हें ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन हम अपने DIY में कोई भी प्रिजर्वेशन नहीं मिलाते हैं, तो इसलिए इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 6 से 7 दिन का होता है। इस DIY को भी आप ऐसे ही प्रिपेयर करके रख सकते हो। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहला इन्ग्रीडियंट जो मैं ले रही हूँ वो है राइस। राइस आपकी स्किन को ब्राइटन लाइटन करता है, डार्क स्पॉट पिगमेंटेशन को रिमूव करता है और राइस के प्रोडक्ट तो मार्केट में भरमार चल रही है अभी, तो इसलिए आप यहाँ पे राइस का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी स्किन को लाइटन ब्राइटन और डार्क स्पॉट को रिमूव करने के लिए। तो थोड़े से राइस लिए थे मैंने, नाइट में इन्हें अच्छे से वॉश करके भिगो के रख दिया था। आप चाहें तो इन्हें दिन में भी भिगो के रख सकते हैं, 4-5 घंटे के लिए आराम से फूल जाएंगे। और उसके बाद आप इन्हें एक मिक्सर में डालिए, थोड़ा सा चाहें तो पानी और ऐड कर दीजिए और उसके बाद इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना। इसका हमें एक पेस्ट टाइप बना लेना है। वैसे ये थोड़ा सा ना मिल्क टाइप हो जाएगा बिकॉज जो भी राइस है वो अच्छे से जब ग्राइंड होता है तो मिल्क की फॉर्म में चेंज हो जाता है। अब आप इसे फिल्टर कर लीजिए बिकॉज इसके जो भी ग्रेन्यूल्स है ना वो सेपरेट हो जाने चाहिए। डेली जब आप कोई भी DIY इस्तेमाल करते हो तो कोशिश करें कि जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल स्मूथ हों ताकि वो आपकी स्किन को हर्ट ना करे, बिकॉज ज़्यादा स्किन को एक्सफोलिएट करने से हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो इसलिए हमें इसे अच्छे से फिल्टर कर लेना, बिल्कुल इसका स्मूथ जो वाटर है उसे सेपरेट कर लेना है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर। अगर आपकी स्किन डल हो चुकी है, जैसे मैंने बोला कि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल हो चुकी थी, इवन चेहरा हल्का सा डार्क भी हो चुका था, तो जब हम अपनी स्किन को क्लीन नहीं करते या एक्सफोलिएट नहीं करते तो वो कहीं ना कहीं उस पर डेड लेयर आ जाती है जिसकी वजह से हमारी स्किन डल नज़र आने लगती है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 1 टेबलस्पून कॉफ़ी पाउडर यूज़ किया। देन हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्मॉल बाउल बेसन। बेसन एज अ गुड क्लींजर की तरह, एक्सफोलिएटर की तरह या फेस वॉश की तरह वर्क करता है, आपकी स्किन को क्लीन भी कर देता है, आपके पोर्स को अच्छे से क्लीन कर देता है, जो भी हमारे फेस पे एक्सेस ऑयल सीक्रेट होता है उसे कंट्रोल करता है एंड दाग धब्बों से भी छुटकारा दिलाता है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 स्मॉल टेबलस्पून कस्तूरी हल्दी। अगर आपके पास है तो इट्स ओके, अदरवाइज आप नॉर्मल वेजिटेबल वाली हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हो। क्वांटिटी थोड़ी ही रखना, अदरवाइज इसका जो कलर है वो हमारे चेहरे पे आने लगता है। तो सबको ऐड करने के बाद अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। एक स्मूथ सा हल्का सा थिन पेस्ट बन जाएगा एंड अब आप इसे किसी भी बोतल में या किसी भी जार में स्टोर करके आप रख सकते हो। जब भी आप अपने फेस पे इसे इस्तेमाल करें, दिन में सिर्फ एक बार ही इसका इस्तेमाल करें। जैसे हम अपने चेहरे को 2 बार क्लीन करते हैं, यानी कि दिन में हमें 2 बार फेस वॉश करना चाहिए, तो आप चाहे तो 1 बार इससे कर सकते हैं और 1 बार अपना कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं या अपने साबुन से भी अपना फेस वॉश कर सकते हैं। तो जब भी आप इसे इस्तेमाल करें, इसको डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई करना है। 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फेस की क्लींजिंग करनी है, जिससे जो भी डेड लेयर है या जो भी आपके चेहरे पे डलनेस डार्कनेस है वो रिमूव हो जाए। एंड उसके बाद आप अपने चेहरे को नॉर्मल वाटर से वॉश कर सकते हो एंड देन आप टॉवल से ड्राई कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलेगा, जो भी आप अपना फेस वॉश यूज़ करते हैं, जो आप उसके बाद रिजल्ट देखते हैं, आपको एग्जैक्टली वही रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि जो भी ऑयल है या जो भी डलनेस है या जो भी आपके चेहरे पे डार्कनेस है वो एकदम से रिमूव हो जाएगा। जब आप इसे रेगुलर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देंगे तो इसका रिजल्ट आपको आपकी स्किन में ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट हम लगातार यूज़ करते हैं, फॉलो करते हैं, तो उसका असर हमारे स्किन में देखने को मिलता है। एंड मैं यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ, आपको आपकी स्किन का सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलने वाला है। एंड आप जानते हैं, पिंपल या एक्ने के जो मार्क्स होते हैं या पिगमेंटेशन होता है वो हमारी स्किन के अंदर वाली लेयर में होता है। तो जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे, इसका जो भी न्यूट्रिशन है आपकी स्किन में डेली जब एब्जॉर्ब होगा तो आपकी अंदर की प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो जाएगी। ये हमारी फर्स्ट DIY है जिसे आपको रेगुलर यानी कि डेली फॉलो करना है। सेकेंड DIY वो है, क्योंकि हमारी स्किन को वीक में 1 बार एक्सफोलिएशन की ज़रूरत होती है। जो भी हमारे पोर्स होते हैं, जब वो उनमें वेस्ट स्टक हो जाता है या जो भी ऑयल डिकम्पोज हमारी स्किन से निकलता है वो स्टक हो जाता है, तो ज़्यादातर हमें पिंपल, एक्ने या मिलिया जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसलिए हमें अपने पोर्स को ऑलवेज क्लीन रखना चाहिए। एंड ये आपका इसी DIY से प्रिपेयर हो जाएगा। जो आप राइस को ब्लेंड करोगे, तो जब आप फिल्टर करते हैं तो उसका जो राइस का पेस्ट है वो रिमूव हो जाता है। तो हमें उसे फेंकना नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं मम्मी बोलती है कि इतना सारा जो मटेरियल है वो वेस्ट कर दिया। तो आपको इसे रख लेना है और इसमें आपको ऐड करना है 1 टेबल स्पून या हाफ टेबल स्पून हनी। अगर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल भी इसमें ऐड कर सकते हो, बिकॉज दोनों में हाइड्रेटिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, दोनों ही हमारी स्किन को हाइड्रेट करते हैं। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, इसका स्क्रब तैयार कर लेना है और उसके बाद हमें अपनी स्किन पे इसे अप्लाई करना है। तो जब भी आप DIY को प्रिपेयर कर रहे हो, वीक में 1 बार ही प्रिपेयर करना है, तो 1 बार ही आप इस सेकेंड वाले स्टेप को फॉलो करोगे जिस दिन आपको DIY रेडी करनी है। और इससे आप अपने पूरे स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट कर सकते हो। आप चाहो तो फेस के अलावा आप अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे इसे अप्लाई कर सकते हो और अच्छे से स्किन को 2 से 3 मिनट तक एक्सफोलिएट करना है। नोज़ पे, चीक पे, चिन पे, जहाँ अगर आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड की प्रॉब्लम है तो भी आपको अच्छे से इसका इस्तेमाल करना है। एंड उसके बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हो। तो इसे अप्लाई करने के बाद ना आपको आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ लगे। अगर आपको ब्लैक हेड, वाइट हेड की प्रॉब्लम है तो भी आपको अच्छे से इसका इस्तेमाल करना है। एंड उसके बाद आप अपने चेहरे को वॉश कर सकते हो। तो इसे अप्लाई करने के बाद ना आपको आपकी स्किन बिल्कुल स्मूथ लगेगी। एंड फिर मैं वही कहूँगी कि बेशक मेरे पे बिलीव ना करिए, बट जो भी इंग्रेडिएंट हमने फॉलो किए हैं या यूज़ किए हैं आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। बिकॉज जब कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी DIY हम अपनी स्किन पे फॉलो करते हैं तो उससे किसी और को नहीं, नुकसान हमें होता है। तो इसलिए जब भी कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी DIY आप फॉलो करते हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। अपने हैंड पे एक छोटा सा पैच टेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी स्किन पे उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे आपकी स्किन सेफ भी रहेगी और आपको बेनिफिट भी मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। अपना टॉपिक शेयर कर सकते हैं, वीडियो अच्छा है तो शेयर करें दोस्तों के साथ एंड फैमिली में। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।